ओके आफ्टर फिनोटाइप हमारे पास एक अनदर साइंटिफिक टर्म है विच इज कॉल्ड एज होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस. और होमोजाइगस क्या होता है, मतलब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जीन्स क्या होते हैं, उसके फंक्शनल यूनिट यानी एलील्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एलील्स होते हैं, जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप कहा जाता है जो कि इंटरनली प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, फिनोटाइप कहते हैं उसके फिजिकल अपीयरेंस को. अब हमें एक नेक्स्ट टर्म, एक नेक्स्ट कैरेक्टर को, एक नेक्स्ट टर्म को अंडरस्टैंड करना है. दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. An organism said to be homozygous. Organism कब homozygous कहलाता है? If it's both allele controlling the trait or character as seen. थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको अंडरस्टैंड करना. इसका ये मतलब हुआ बेटा कि समझो यहाँ पे, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ जीन्स एंड जीन कंसिस्ट ऑफ इट्स एलील. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दिस इज द जीन ए, ठीक है. अभी सिर्फ एक जीन्स की बात हो रही है. And gene A control height of a pea plant. सही? अब of course कि chromosome की जब बात होती है तो one इस pair के अंदर one chromosome comes from father, paternal chromosome कहलाता है. One chromosome comes from mother, यानी कि जो maternal chromosome कहलाता है. तो दोनों के paternal chromosome और maternal chromosome when unite together they form one pair of chromosome. यानी इस pair of chromosome के अंदर जो characters हैं वो equally transmit हुए हैं from father and from mother. अब जो character transmit हुए हैं parent pea plant से, for example, तो parental pea plant जैसे कि paternal father है हमारे पास, जो male pea plant है और जो female pea plant है, उन्होंने जब transmit किया अपना character into this chromosome, तो हम ये बात करेंगे कि pair of chromosome consist of pair of genes. Pair of gene consist of pair of allele. तो of course allele single तो नहीं होगा. मैंने तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया कि dominant allele represent by capital T. लेकिन ये जो dominant allele है जैसा हम capital T से represent कर रहे हैं, recessive allele को उसी letter के lower case से represent कर रहे हैं, तो of course they we have to make sure कि इनका pair होना चाहिए. ये single काम नहीं करेंगे क्योंकि काम कौन कर रहा है, pair of chromosomes कर रहे हैं. ये हमने बेटा यहाँ discuss किया था कि सिंगल थ्रेड था क्रोमैटिन का, दिस सिंगल थ्रेड व्हेन रेप्लिकेट इटसेल्फ इट फॉर्म पेयर ऑफ क्रोमोसोम. इट मींस कि दोनों पेयर्स जो हैं, जो दोनों सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं, वो एक्टिव होंगे अपने फंक्शन के अंदर. वन कम्स फ्रॉम फादर, वन कम्स फ्रॉम मदर. अगर दोनों की तरफ से डोमिनेंट एलील आया है, अगर दोनों की तरफ से डोमिनेंट कैरेक्टर आया है टॉलरेंस का, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे उस डोमिनेंट एलील के लिए दोनों लेटर जो यूज करेंगे दैट वुड बी कैपिटल, ठीक है. बताने का मकसद यह है कि सिंगल टी और सिंगल कैपिटल लेटर या सिंगल लोअर केस लेटर यूज नहीं होगा क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे हैं. पेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो दीज आर द पेयर ऑफ जीन्स, दीज आर द पेयर ऑफ एलील एज वेल. तो एक एलील के अंदर अगर हम कोई लेटर यूज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स द सेम लेटर, इफ द सेम लेटर वी विल यूज ओवर हेयर, अगर सेम लेटर हम यूज कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है होमोजाइगस. मतलब के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके क्रोमोसोम्स में दोनों एलील्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के. अब दो एलील्स हैं तो वन कम्स फ्रॉम फादर, वन कम्स फ्रॉम मदर. अब ये जो दोनों एलील्स हैं जब ये एक ही लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी, दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस डोमिनेंट. ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट. मतलब होमोजाइगस मीन्स आइडेंटिकल, डोमिनेंट मतलब एज वी ऑलरेडी नो कि कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर. तो इस पी प्लांट ने जो जेनेटिक कैरेक्टर लिया अपने फादर से, अपनी मदर से, तो ये जो पी प्लांट बना, इट कंटेन इट्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर्स इक्वली ट्रांसमिट हो गए. टॉल हाइटेड फादर भी, टॉल हाइटेड मेल पी प्लांट भी थे, टॉल हाइटेड फीमेल पी प्लांट भी थी. तो दोनों के कैरेक्टर जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस, यानी कि आइडेंटिकल एलील्स हैं. और कैसा एलील है, कैपिटल टी, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट. ये पी प्लांट, ये ऑफस्प्रिंग पी प्लांट जो जब विजिबल होगा अपने फिनोटाइप में तो इट विल कंटेन इट्स डोमिनेंट कैरेक्टर. इसी के कंट्रास्ट में आ जाइए हेटरोजाइगस. किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेटरोजाइगस कब कहा जाता है, व्हेन इट्स बोथ एलील आर डिफरेंट, इसके दोनों एलील्स डिफरेंट हो ऑफ द सेम जीन. फॉर एग्जाम्पल हेयर अगेन जीन ए फॉर इट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ अ पी प्लांट. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, वन कम्स फ्रॉम फादर, वन कम्स फ्रॉम मदर. यहाँ फादर से जो ट्रांसमिट हुआ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या ट्रांसमिट हुआ कि जो फादर, जो पैटर्नल पी प्लांट थे, दे कंटेन टॉल हाइटेड
characteristics in their body. तो जो quality आई offspring के अंदर it contain a tall hybrid और ये dominant allele. अब जो दूसरा है हमारे पास जो next है हमारे पास maternal chromosome of a pea plant. तो इसके अंदर small letter यानी के lower case letter use हुआ है. वो organism जिनके अंदर transmit हो रहे हो characters लेकिन different category में father transmits its character in dominant form and mother transmits its character in recessive form. तो जो एक organism में जब ये letters हम एक दूसरे के साथ merge करते हैं तो they consist of same gene, मतलब ये gene तो same है, height का है, लेकिन it consists of different lower case letter as well as dominant letter. This is called as heterozygous, मतलब के एक gene है height का, लेकिन उसके अंदर दो different alleles use हुए हुए हैं. One allele which comes from father is called as dominant allele. Another allele which comes from mother is called as recessive allele. अब जाहिर बात है कि offspring के अंदर दोनों ही chromosomes आएंगे, half from father, half from mother, और ये chromosomes अपने अंदर एक quality, एक characteristics exhibit करेंगे. अब वो characteristics क्या कहलाएंगी? Heterozygous. तो अगर कोई organism अपने genotype में, अपने genetic makeup में दोनों alleles identical शो कर रहा है, एक ही letter शो कर रहा है, capital letter शो कर रहा है, दोनों alleles एक organism में capital letter शो कर रहे हैं, this is called as homozygous. और अगर किसी living organism के अंदर जो alleles use हो रहे हैं, यानी कि जो alleles transmit हुए हैं, जो genes transmit हुए हैं, half character dominant आया father से, half character mother से recessive आया, इसको कहा जाता है heterozygous organism. So in this way we discuss completely the first topic of this chapter, that is called as basic knowledge or scientific terms. और आप देखेंगे बेटा कि जब हम आगे discuss करेंगे इन्हीं topics को, इन्हीं content को, तो ये word multiple times use हो रहे होंगे. हम chromosomes को use कर रहे होंगे frequently, हम alleles को use कर रहे होंगे frequently, हम genotype phenotype को use कर रहे होंगे, और especially इस topic के अंदर तो ये scientific terms बहुत ज़्यादा use होंगे.